जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी होली एवं शबे बारात त्यौहार तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा के मार्ग व्यवस्था एवं सुरक्षा का जायजा लिया और शहर के लोगों से वार्ता कर वहां की समस्याओं एवं त्यौहार में कोई बाधा न होने पाए इसकी जानकारी ली गई। मार्ग व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान व्यापारियों से मिलकर त्यौहार में सहयोग कर सकुशल सौहार्द पूर्वक मनाने के लिए अपील किया गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश भी दिए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शांति समिति के सदस्यों के साथ तथा समुदाय से जुड़े लोगों के साथ बैठक की गई ताकि आगामी पर्व होली और शबे बारात की जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जाए। उन्होंने कहा कि सभी से अनुरोध है कि सभी अपने त्योहारों के दौरान सतर्क रहें, यदि बाहर का व्यक्ति अनजान कोई संपर्क में आता है तो तुरंत प्रशासन को खबर करें और सादगी पूर्वक हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज सभी हमारे शांति समिति के बैठक के सदस्यों के साथ, सामुदायिक से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक की गई, सभी विभागों के साथ बैठक की गई ताकि आगामी पर्व होली और शबे बारात के जुलूस और आयोजनों के लिए शांति व्यवस्था अवस्थापना संबंध में विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया। रूट्स, मुख्य जुलूस होंगे, रूट्स भी देखे गए और वहाँ के लिए जो व्यवस्थाएँ होनी हैं, प्रबंधन होना है और सुरक्षा के लिए जो डिप्लॉयमेंट होना है मजिस्ट्रेट्स और पुलिस का, उसके लिए प्लानिंग की गई। आयोजकों के साथ समन्वय अच्छा है और कार्य कर रहे हैं और शांतिपूर्वक इसको कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और सभी से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि सभी अपने त्योहारों के दौरान सतर्क रहें, कोई बाहर के व्यक्ति या अनजान कोई बात संज्ञान में आती है तुरंत पुलिस प्रशासन को इत्तिला करें और सावधानी पूर्वक हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। सब फीडबैक लिया गया नागरिकों से, वहाँ के सभी स्थानीय लोगों से भी फीडबैक लिया गया, उनके पूर्व अनुभव के आधार पर क्या समस्याएं हैं, किस तरह की व्यवस्था को और सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में समीक्षा की गई और आगे अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।